नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गोवा के नज़ारे। और गोवा में देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जिसका मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को पूरा देखेगा तभी मज़ा आएगा, बीच में स्किप करते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और बात करूँ तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गोवा में, खास करके जैसे मैं पणजी और पोंडा के बीच का भी नज़ारा दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे सड़कें हैं, कैसे घर है, मकान है, कैसा सब चीज़ आप देख ही सकते हैं। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, इस वीडियो को पूरा दिखोगे तभी मज़ा आएगा। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू पूरा देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और देखा जाए तो अभी हम जा रहे हैं पणजी और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रोड कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर देखा जाए तो घर जिस तरह से देखा जाए बनाया जाता है वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाई जाती है। सुंदरता यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर देखा जाए तो पॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर प्रदूषण हवा बहुत ही कम है और देखा जाए तो सफाई भी बहुत ही खूबसूरत है। बाकी इस वीडियो में आप देखेंगे खुद कहाँ कहीं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ की हरियाली भी बहुत खूबसूरत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आप गोवा आए हैं, तो कब आए हैं, और आप अगर यहाँ पर आए हैं तो कितने दिन तक स्टे किए थे। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और ये भी बताइए कि आपको यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका गोवा में, और काफ़ी अच्छा हमें तो लगा। बाकी आप बताएं ज़रूर कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो भी बताइए, अगर नहीं आए हैं गोवा तो भी ज़रूर बताइएगा ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि आपकी राय क्या है। और बात करें तो गोवा बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। और देखा जाए तो यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर आपको बाइक बहुत कम दिखेगी, बाइक नाम मात्र का शायद 1% शायद दिखे जाए तो भी बहुत है। यहाँ पर देखा जाए तो स्कूटी बहुत दिखती है और चार चक्के में कार और हो गया ये सब दिखेंगी। बाकी जैसे कहते हैं ना ये सब हीरो होंडा या फिर स्प्लेंडर ऐसे जो बाइक होती है जो लड़के चलाते हैं ये सब स्पोर्ट बाइक्स ये सब कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत नाम मात्र का। यहाँ पर देखा जाए तो स्कूटी बहुत दिखेगी आपको। बाकी आपका राय क्या है आप भी बताना जरूर नीचे कमेंट में कि क्यों यहाँ पर स्कूटी ज़्यादा दिखती है। हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर स्कूटी चलाना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं ऊँची नीची यानी कि ऊँचास नीचास रहता है, इसलिए गियर ज़्यादा बदलना पड़ेगा बाइक में। स्कूटी है तो आराम से आप चला सकते हैं। बाकी क्या है आप ज़रूर बताना नीचे कमेंट में। और आप ये रोड देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, रोड एकदम क्लीन है, रोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और घर देख सकते हैं, घर यहाँ पर एक तरह से ऊपर से जो है कि तिकोना नीर बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत होती है इसलिए पानी नीचे आराम से गिर जाए, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोवा में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप यहाँ पर घूमने आते तो आइए, और चाहे जब भी आइए काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर। और यहाँ का भी टेम्परेचर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है गोवा में बीच। गोवा में बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर जाना बहुत ही मज़ा आता है। और बात की जाए यहाँ पर जो बीच है काफ़ी बीच है क्योंकि बीच की संख्या कम ही नहीं होती है, तो यहाँ पर घूमने लायक देखा जाए तो बीच भी बहुत है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और चर्च भी बहुत है यहाँ पर। तो बस मूड बनाइए, अगर घूमना है तो गोवा ज़रूर आइए लाइफ में, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर। और भी बहुत सारे नज़ारे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको दिखेगी हरियाली, हरी भरी और एकदम क्लीन रोड, एकदम मतलब कि आनंद आ जाता है। अगर आप बाइक राइड करते हैं तो भी मज़ा आता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ट्रैफिक रूल भी सख्त है थोड़ा सा, यहाँ पर बाइक चलाते हैं तो थोड़ा सा हिसाब से चलाएं क्योंकि यहाँ पर हर जगह चेकिंग भी होती है, तो अच्छी बात है होनी भी चाहिए। और आपको दिखा दूँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। और अभी हम आ चुके हैं पणजी, और भी बहुत सारे नज़ारे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई गलती हो गई तो हमसे ज़रूर माफ़ करिएगा बीच में क्योंकि अभी मैं नया हूँ। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद देखकर फील कर सकते हैं कि जिस तरह से व्यू दिखा रहा है उस हिसाब से हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। बाकी आपका क्या है ओपिनियन ज़रूर बताना नीचे कमेंट में, अगर आप गए हैं तो ज़रूर बताना नीचे कमेंट में। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं।
और ये अटल सेतु है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह अटल सेतु ब्रिज है जो कि हाल ही में बनाया है और ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया है। और इससे बहुत ही रास्ता जो दूरी की बात की जाए तो दूरी जो ज़्यादा थी इससे कम हो गई है और ये शॉर्टकट है। और यह ब्रिज अभी नया बना है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको बहुत जल्दी उस पार जोड़ देता है जो नदी है। और इस ब्रिज का नाम है अटल सेतु ब्रिज, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें अभी क्योंकि नया नया बना है। बाकी आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। यह ब्रिज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अभी नया नया बना है और देख सकते हैं। तो ये पूरा ब्रिज का आनंद लीजिए, और भी बहुत सारे नज़ारे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। और बात करूँ तो गोवा थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और यहाँ पर होटल वोटल आप बुक कर सकते हैं तो ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया और गोवा वीवो हो गया और भी बहुत सारे होटल जो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आप होटल बुक कर सकते हैं। अगर घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं, अगर अकेला है या फिर फ्रेंड हैं तो कोशिश करिए कि चीपेस्ट बुक करके अपना काम निकालिए। बाकी अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अच्छा होटल आप ले सकते हैं, ओयो से भी ले सकते हैं, मेक माई ट्रिप, गोवा वीवो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जहाँ पर आपका मन बने तो आप देख कर बुक कर सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। ज़्यादा कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से होना चाहिए एक शहर में। और आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर ओला उबर ये सब नहीं चलता है। हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पर मिल सकती है जैसे प्राइवेट बाइक, यहाँ पर आप कहीं कहीं आपको जो जहाँ पर उतरेंगे वहाँ पर लोग प्राइवेट बाइक देते हैं, आप आपका डीएल का फोटो कॉपी ये सब रख लेंगे और आपको दे देते हैं 200 300 400 रुपए जैसे उनकी भाड़ा हो, वो आप देकर घूम सकते हैं 24 घंटे के लिए, उनकी बाइक या और स्कूटी ले सकते हैं। हालांकि स्कूटी ही ज़्यादा देते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखा जाए तो बोट लगी रहती है, यहाँ पर लोग कसीनो भी है, लोग खेलते हैं जाकर कसीनो। और अंदर बहुत से अच्छे अच्छे नज़ारे हैं जो कि आप यहाँ आएंगे तभी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर रेंट लेना है तो बाइक रेंट ले सकते हो, बाइक तो नहीं मिलेगा, वो स्कूटी मिल सकता है आपको रेंट, जो कि 200 300 400 500 में मिल जाता है आपको एक दिन के लिए। तो क्योंकि अगर स्कूटी से हो तो काफ़ी मज़ा आता है हमारे हिसाब से। बाकी आप बताओ, यह सब मैं आ गया हूँ एकदम शहर में। और बात करूँ तो यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा अच्छा जगह हर जगह है, तो घूम सकते हो, एकदम मज़ेदार जगह है गोवा। अब ये घर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये पूरा शहर है, पूरा मार्केट है एक तरह से, और खूबसूरती की तो बात ही अलग है। साफ़ सफाई देखिए फ्रेंड, आप खुद केयर करिए, साफ़ सफाई रोड का देखिए कितना अच्छा है। और इधर सभी लोग ट्रैफिक रूल का भी पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, उनको लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी वो अपनी गाड़ी को एकदम फास्ट नहीं चलाते हैं। ट्रैफिक रूल का पालन यहाँ पर लोग करते हैं सभी लोग, जो कि एक अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और बात करूँ स्कूटी की तो स्कूटी भी लोग लेकर चलते हैं, तो हेलमेट ज़रूर लगा के चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कसीनो देख सकते हैं समुद्र में है, और समुद्र किनारे जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। गोवा में कहीं भी हो आप अगर किनारे यानी कि बीच पर जाते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखा जाए तो इन्जॉयमेंट अगर आपको करना है तो गोवा आइए, और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप दृश्य देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस ये वीडियो थी गोवा की, और भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है गोवा भैया, गोवा, यहाँ की रोडें चमकदार हैं, यहाँ की लोग भी चमकदार है एक तरह से। और यहाँ की मार्केट की मैं बात करूँ तो हर एक चीज़ मिल जाता है खाने पीने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि नहीं मिली, यहाँ पर चिकन सिकन सब मिल जाता है, खा सकते हैं, और वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। और बाकी हमें तो अच्छा लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो ये है गोवा की वीडियो,
और भी लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इतना बहुत है। और भी वीडियोज़ है आने वाले समय में, आएगा बहुत जल्दी, आप देख सकते हैं। ये शाम का समय हो चुका है और शाम में तो और भी मज़ा आता है। और देखा जाए तो कुछ देर बाद रात हो जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो एक जो मैं ब्रिज दिखाया था, अटल सेतु ब्रिज, जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रिज है, जिसकी वजह से लोग बताते हैं बहुत समय बच जाता है, बहुत दूरी बच जाती है। और ये भी नया बना है अटल सेतु ब्रिज, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बनाया गया है और बहुत ही अच्छा ब्रिज है। और बस यह वीडियो बताइए कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और ये थी मेरी गोवा की वीडियो। हालांकि देखा जाए तो गोवा बहुत बड़ा है, पूरा कवर करना मुश्किल है, बट मैंने सोचा आपको एक कार राइड से मैं आपको वीडियो दिखाऊं। ये जो मेरी राइड हो रही थी कार राइड से, मैं आपको सब नज़ारा दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा था, अद्भुत था, काफ़ी अच्छा मज़ा आया। और इसके साथ आप भी इंजॉय लिए। और बस यही थी वीडियो। वीडियो को अब हम सोच रहे हैं यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, क्या आप गोवा आए हैं तो ज़रूर बताइएगा, या फिर गोवा में रहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करके जाना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।